हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं गुलदाउदी के, बिल्कुल स्टार की तरह चमक रहे हैं। और जब ये नए खिलते हैं तो इस तरह से पर्पलिश कलर में होते हैं थोड़े, और जब थोड़े पुराने हो जाते हैं इस तरह से वाइट लाइट पर्पल कलर निकल आता है इसका। बहुत ही सुंदर से फ्लावर इसके लगते हैं। और ये देखिए इस प्लांट का मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा अभी। तो इस प्लांट में भी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, कितना हेल्दी सा प्लांट है, बिल्कुल ग्रीन। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए होता है। तो दोस्तों, मैंने आज कुछ मेरे गार्डन प्लांट ऐड करे हैं, कुछ शॉपिंग करी है, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रोस कितना सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ है इसका भी, और कितनी सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं। यहाँ पर भी ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा प्लांट है। ये देखिए कितना हेल्दी सा प्लांट है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। देखिए इसमें पहले फ्लावरिंग हो चुकी थी, तो जो भी पुराने फूल हो जाते हैं उससे हमें कट कर देना चाहिए फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से, और यहीं से नई नई ब्रांच निकलती रहती हैं। ये देखिए नई ब्रांच आएंगी तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। ये देखिए कितने अच्छे से कलियां बनी हुई हैं इसमें। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी शॉपिंग, मेरे प्लांट जो मैंने खरीदे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए पिटोनिया है, इसकी कंडीशन थोड़ी ऐसी है, लेकिन क्या है ना दोस्तों, मैं तो नर्सरी तो जाती नहीं हूँ, और जो भी प्लांट मुझे यहाँ मिलते हैं मैं ले लेती हूँ। तो जब हम इससे रिपोर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो ये मुझे पड़ा है 25 रुपीज़ का। कलर का तो इसमें मुझे पता भी नहीं चला कैसा कलर है, लेकिन शायद रेड कलर है ये। तो ये मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है। और इसके साथ ये देखिए डायंथस, ये भी 25 का डायंथस। तो इसके मैंने दो कलर लिए, एक ये रहा ये वाला कलर है मैजेंटस डार्क रेड कलर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कलर निकल कर आ रहा है इसका, तो बहुत ही सुंदर लगा ये कलर। तो ये 25 के हैं पिटोनिया 25 का। तो ये देखिए ये है डॉग फ्लावर, इसको डॉग फ्लावर इसलिए बोलते हैं। ये भी मुझे 25 का ही पड़ा है, और ये भी डार्क मैजेंटा सा ही कलर है इसका भी। तो इसी के साथ ये देखिए ये है गुलदाउदी वाइट कलर का। वाइट मेरे पास है, लेकिन मुझे प्लांट हेल्दी सा लगा तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। बहुत ही अच्छा सा प्लांट है ये, तो शायद मुझे फ्लावर भी इसका थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैंने ये भी ले लिया था। और ये मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ का, एक नहीं सॉरी 25 का ही ये है। सारे गुलदाउदी मुझे 25 के ही पड़े हैं। तो गुलदाउदी के भी मैंने 4 प्लांट लिए हैं। तो देखिए एक कलर ये है, ये बहुत सुंदर सा कलर है, फ्लावर भी अच्छा लगा इसका मुझे। तो ये मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये भी लिया है, ये भी 25 का पड़ा है, और सारे पॉली बैग में ही हैं, और मिट्टी इनके बिल्कुल सॉफ्ट है। तो जब इनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे तो बिल्कुल इसके रूट बॉल को हमें छेड़ना नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से ये आते हैं, पता नहीं ये किसकी पत्तियां होती हैं, किसकी घास होती है, तो मुझे भी मालूम नहीं है। इस तरह से पैक आते हैं इनमें। तो ये 25 के मुझे पड़े हैं। एक ये वाला है कलर, ये थोड़ा अलग कलर है। यहाँ पर ये देखें तो ये भी 25 का ही मुझे पड़ा है, ये इससे अलग कलर है इसका। और जब खिलेगा, जब पता चलेगा मुझे, क्योंकि इसमें कोई फ्लावरिंग हो नहीं रखी थी, तो इसका फूल तो खिला हुआ था, तो इससे मुझे कलर पता चल गया एक जैसे ही ना हो, लेकिन ये मुझे 25 का ये पड़ा है। और एक गुलदाउदी ये रहा,
ये उसने मुझे रेड कलर का बताया। तो जो भी मैंने गुलदावदी लिए हैं नेक्स्ट सीजन के लिए लिए हैं, क्योंकि कलर का तो इस टाइम ही पता चल सकता है कि कौन कौन से हमें ऐड करने हैं अगले सीजन के लिए। तो मैंने ये अगले सीजन के लिए लिए हैं। फ्लावरिंग कैसी भी हो इनमें, कितनी भी हो, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन अगले सीजन में मैं इनके बहुत सारे प्लांट बना लूँगी, कटिंग से तैयार कर लूँगी। तो अगर आपको भी गुलदावदी के कलर ऐड करने हैं इस टाइम, तो आप नर्सरी पर लेने जाओ या फिर आपके कॉलोनी में कोई आता है लेके, तो उनसे आप ख़रीद सकते हो अगले साल के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए कलर ऐड करने के लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि जब हम सीजन इनका स्टार्ट होता है कटिंग का, तो उस टाइम तो हमें कटिंग ही मिलेंगी, कलर का तो हमें पता भी नहीं चलता है उस टाइम पे। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप अपने गार्डन में और कलर ऐड करना चाहते हो गुलदावदी के। तो अभी तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो ही रही है इनमें। ये मुझे रेड कलर बताया उसने, पता नहीं अभी तो कौन सा निकलेगा, कल ही में पता नहीं चल रहा था कलर का भी। तो बस दोस्तों, यही शॉपिंग थी मेरी आज की। क्या है ना, मैं तो बाहर तो मैं जाती ही नहीं हूँ। जो भी प्लांट वाले यहाँ लेकर आते हैं पौधे वाले, तो उन्हीं से मैं ले लेती हूँ। तो मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं वो सब मैंने यहीं से ख़रीदे हैं, जो भी यहाँ लेकर आते हैं तो उन्हीं से मैं ले लेती हूँ। बाकी तो मैं नर्सरी में तो बहुत ही कम जाती हूँ, साल में एक या दो बार, क्योंकि घर में किसी को टाइम नहीं होता कि वो नर्सरी लेके जाए, और मैं भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। शौक सबको है प्लांट का, शौक सबको है, लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास लेकर जाने के लिए। तो बस दोस्तों, मेरी शॉपिंग कैसी लगी और कैसे प्राइस उनका लगा, ये मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट करके। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।